गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. व्हाट इज दिस? दिस इज अंग. ये कौन सी मात्रा है? अंग की. कौन सा वर्ड है ये? अंग. जब हम अंग बोलते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ही हवा निकलती है. इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार. ये क्या होता है? अनुस्वार. तो आज हम अनुस्वार की ध्वनि को बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे. जब हम अ पे डॉट लगाते हैं क्या बोलता, ये बनता है अंग. अगर हम क पे लगा देंगे अंग की मात अंग, तो क्या बनेगा? कंग. ख पे डॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा? खंग. ग पे डॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा? गंग. घ के ऊपर डॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा? घंग. च के ऊपर लगाएंगे तो चन. छ के ऊपर लगाएंगे तो छंग. अब वर्ड्स देखते हैं. ब, ब के ऊपर डॉट लगाएंगे बंग. दर, दर, बंदर. इसकी जो वॉइस होती है ये न जैसी होती है. ल के ऊपर डॉट लगाएंगे तो लन. प, प के ऊपर डॉट लगाएंगे पंख, पंख. ड, डॉट, डंक, डंक. र के ऊपर डॉट लगाई रंग, ग, रंग. श, न, श के ऊपर डॉट लगाएंगे शंख, शंख. ओपन पेज नंबर 48. इजी है ना बहुत? जिसके ऊपर डॉट लगाएंगे उसके साथ ही उसकी ध्वनि जुड़ जाएगी. घ, घ के ऊपर डॉट लगाई घंग, घन. ट, आटा, घंटा. न की आवाज आती है बेसिकली इसमें. प, त, त के ऊपर अंग की मात्रा तंग, ग, पतंग. ह, अंस, हंस. प, अंख, पंख. शंख. ब, अंग की मात्रा बंग. दर, दर, बंदर. कंकड़. स, अंक की मात्रा सन. दूक, संदूक. मंदिर. ब, अंक की मात्रा बंधन, बंधन. लंगूर, संसार. ठीक है? तो बच्चों ये है अनुस्वार, अंग की ध्वनि वाले शब्द. ठीक है? जिसके साथ जैसे डॉट आएगी उसको उसी टाइप से हम स्पीकिंग करेंगे. फाइन. सो योर होमवर्क इज टू रीड पेज नंबर 48. ओके, बाय एवरीवन.